महिलाओं को दिक्कत सिर्फ उत्तराखंड में नहीं हो रही है, दिल्ली विधानसभा के अंदर भी दिक्कतें हैं। बीजेपी विधायक ओपी शर्मा और आप विधायक अलका लांबा के बीच हुए विवाद में अब दिल्ली महिला आयोग भी कूद पड़ा है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का कहना है कि अलका लांबा सहित दिल्ली की सभी 6 महिला विधायकों को पूरी मदद दी जाएगी। स्वाति मालीवाल से हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी ने की बात। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के विधायक ओपी शर्मा द्वारा अलका लांबा पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला गर्माता जा रहा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्वाति मालीवाल जी हैं। स्वाति जी, अब क्या इस पे आप जो उनको मदद करने वाले हैं, मामला कोर्ट तक भी जाने वाला है? देखिए, ओपी शर्मा जी ने पहली बार भी बहुत गलत बातें बोली थी। उन्होंने कहा था कि अलका लांबा जी गुंडी हैं, उन्होंने कहा था कि अलका लांबा जी नशेड़ी हैं, और यहाँ तक उन्होंने कहा था कि अगर वो दोबारा यहाँ दिख गई तो उसको फिर हम स्ट्रेचर पे भेजेंगे, उसकी हम हड्डी पसली एक करेंगे, जो कि बहुत गलत है। तो हमने रिकमेंड किया था दिल्ली पुलिस को कि इनके खिलाफ, ओपी शर्मा जी के खिलाफ FIR रजिस्टर होनी चाहिए, पर ये दुख की बात है कि आज तक वो FIR रजिस्टर नहीं हुई, और इसकी वजह से उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि आज 2 दिन पहले उन्होंने विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में दोबारा से इन महिला को इस तरीके की गलत बात बोली है, जो कि बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। जो आपका हमारा जो विधानसभा है वो एक मंदिर की तरह है, और वहाँ पे इसलिए भेजा जाता है MLAs को चुनकर कि वहाँ पे वो अपनी हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए वहाँ पे कानून बने, और इसलिए नहीं भेजा जाता कि वो वहां पे पकड़ के जो भी महिलाएं हैं, एक तो वैसे ही दिल्ली में मुश्किल से 6 MLAs हैं, उनके खिलाफ वो उनका उत्पीड़न करें और इस तरीके की गंदे अपशब्द बोलें। और दिल्ली महिला आयोग, अब ये लड़ाई अलका लांबा जी को हम सपोर्ट करेंगे और इसको कोर्ट में लेके जाएंगे। तो साफ तौर पर महिला आयोग का यही कहना है कि इस मामले में जो है वो अलका लांबा को सपोर्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं जो ओपी शर्मा के जो ये इस तरह के जो बयान हैं उस पर दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई नहीं की, इससे ही उनका हौसला जो है वो बढ़ा है। तो इस तरह से जो ओपी शर्मा की मुश्किलें हैं आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ सकती है। दिल्ली से कैमरा पर्सन राजीव के साथ जितेंद्र भाटी, न्यूज़ ऑल इंडिया।